पर वाइट मैगपाई आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं होगा। तो चलिए भाई एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजन नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैं आज एज ए फैमिली ब्लॉग पे ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले तक, मतलब कल ही तक, कल जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था KCC वर्सेज PCC में। तो काफ़ी टाइम से मैं वहाँ मैचेस वगैरह पे लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे ना कंटिन्यू उसमें ब्लॉग शूट करने के लिए नहीं हो रहा था। बाकी आज से आपको कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे ही आज ना जैसे ही कल हम लोगों के जो मैचेस वगैरह थे वो क्लियर हुए, उसके बाद पूरा मौसम पूरा पैक हो गया है। ये देखिए ये साइड में ना पूरा मौसम पैक हो गया है। जिधर ये आपको धुआं वगैरह दिख रहा है, यहाँ हम लोगों ने मैचेस वगैरह करवाए थे जस्ट इसके पीछे, और कल वहाँ पे ना फाइनल भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा फाइनल भी। और बाकी धीरे धीरे मौसम ना पूरा ऐसे ही, मतलब ऐसे पैक होने बैठ गया। अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है दो चार दिन में ना स्नोफॉल ज़रूर होगा। चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं भी निकल गया हूँ, तो चलते हैं। तो भाई फ़िलहाल मैं भी ब्रेकफास्ट करके ना जस्ट पहुंच ही गया। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के जो मैचेस वगैरह चले थे वो हमने 12 तारीख से 12 दिसंबर से शुरू किए थे, और आज लगभग लगभग एक महीने के करीब लगभग होने ही वाला है। तो आज का काम हमारा है, जो हमने वहां से उसाड़ा से जो कमेटी से जो सामान वगैरह लिया था, जो स्पीकर वगैरह थे, कुर्सियाँ वगैरह थी, तो वो सारी चीज़ें ना आज जमा करनी है। जो भी टूट फूट होगी उसका पैसा देना है। बाकी सबसे बड़ी बात, हम लोगों के जो मैचेस थे एक महीना लगभग हो ही गया है, और उस एक महीने के अंतर्गत मतलब ऐसा मौसम ना कभी नहीं हुआ था। और आज जस्ट कल फाइनल मैच हुआ, और उसके बाद आज अब ऐसा सीन हो गया है। तो इसके बाद अगर ऐसा ही रहा, थोड़ा सा बारिश होगी ना, तो एकदम से स्नोफॉल ना हो ही जाएगा। तो भाई फिलहाल अभी ऑलमोस्ट जितना जो सामान था ना वो हमने लगभग कमेटी में जमा कर ही दिया है, और अभी लास्ट में थोड़ा इनका जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करते हैं। फिर जो कुर्सी वगैरह थी वो तो हम लोगों ने पहुंचा दिया, बाकी यहाँ का सामान देखते हैं, फिर हम लोग भी निकल जाते हैं। उसड़ा से भी बाय बाय कहने का टाइम तो आ ही गया ग्राउंड से। वैसे ग्राउंड पे हम लोगों ने ना काफ़ी मेहनत करी थी, पर आज वहाँ पे ना छोटे बच्चे खेल रहे हैं कॉस्को टेरिस जो बॉल है ना उस बॉल से खेल रहे हैं। बाकी ये देखो ग्राउंड ये रहा, और छोटे बच्चे ना वहाँ पे खेल रहे हैं अभी। तो ये रहा था, ये है ग्राउंड, और बाकी इस जगह से भी बाय बाय कहने का टाइम आ गया। बाय बाय, मिलेंगे अगले साल, अगर उसाड़ा वाले परमिशन देंगे तो ज़रूर हम अगले साल भी यहाँ पे ना मैचेस वगैरह करवाते रहेंगे। बाकी अभी यहाँ से सामान लूट करते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं पोती वासा में, और आज की लोकेशन हमारी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे वैसे भाई भी है मेरा, और जितने भी लोग हैं सारे अपने भाई बंद लोग हैं, जितने हमारे जो कमेटी के मेंबर थे और ग्राम सभा के जितने भी नवयुवक थे सभी लोग आज यहाँ पे आए हैं। और बाकी आज यहाँ पे हम लोगों का खाना बनेगा, तो पहले खाना खुना बनाते हैं फिर मिलते हैं आपको। Oh, yeah.
और अभी जो ये पानी का टेम्परेचर है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना पूरा मतलब ऊपर जो ग्लेशियर वगैरह है, ग्लेशियर वगैरह से ये पानी निकल रहा है। इतना ठंडा पानी है ना, जिसकी वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हो सकता है ऐसा ही मौसम रहा तो कल परसों या दो चार दिन में ना स्नोफॉल ज़रूर होगा। तो आज हम लोगों का जो दिन भर का खाना है ना, वो यहीं बनेगा। और लगभग हम 10-15 लोग हैं जो यहाँ पर हैं। और बाकी आज का खाना हमारा पहाड़ों के बीच और एक सुनसान जगह पे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो पहले अपना जो लकड़ी वगैरह लाना है और जो भी काम वगैरह है ना, उसको निपटाते हैं, फिर आप लोगों से मिल के बातें करते हैं। अभी और लूँ ना, हाँ फोन तो अभी अभी थोड़ा सा हमारा काम है लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना। लकड़ी इकट्ठा करते हैं और फिर जो अपना खाना पीना है ना, इसको बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तो 2:30 तो वैसे बज ही गया। और ये देखो भाई, जो लकड़ियाँ हैं, जो सूखी लकड़ियाँ हैं, उनको इकट्ठा करके ले जाएंगे हम लोग। तो बाकी ऐसा कुछ काम है तो भाई फाइनली अभी टाइम लगभग 4:30 के करीब टाइम हो ही गया, और जस्ट अभी खाना पीना हुआ, इसके बाद हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए। बाकी अभी जस्ट ये लोग खाना खा रहे हैं, फिर तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी प्रदीप भाई भी मेरे साथ में, और बाकी बहुत सारे लोग आज हमने बहुत मज़े लिया सब के। हम लोगों ने यहाँ पे आके ना पूरा एंजॉयमेंट प्रोग्राम बना रखा था हमने कि हमने क्या करना है। बस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई आप लोगों ने आज तक मैगपाई देखा होगा, पर वाइट मैगपाई आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं होगा। नॉर्मली यहाँ पे ना ब्लू वाले वैसे रहते हैं, मैगपाई जो रहता है वो ब्लू रहता है, और जो वाइट मैगपाई है वो यहाँ पे है सामने। और अभी मतलब जो प्रदीप भाई हमारे आंसू भाई हैं, ये कैंपसाइट से मतलब कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो इनको पता है कि यहाँ पे ब्लू मैगपाई सबसे ज़्यादा होता है और वाइट मैगपाई वैसे होता बहुत कम है। और ये पूरा वाइट है, ये है पूरा वाइट। वैसे ब्लू वाला जो मैगपाई होता है वो ऐसा रहता है जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ब्लू। तो भाई अभी ऑलमोस्ट लगभग टाइम 6:30 के करीब तो हो ही गया, और अभी जस्ट मैं भी घर पे पहुँच ही गया। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।